नमस्कार, योगेश्वरी दर्शन बातमीपत्रात आपणा सर्वांचं स्वागत. आपण पाहत आहात अंबाजोगाई शहर आणि परिसरातील सुपरफास्ट बातमीपत्र. चला तर मग आता पाहूयात सुपरफास्ट बातमीपत्र. अंबाजोगाई शहरातील मांडवा रोडवरील खदीम ईदगाह समोर नव्याने शहा फंक्शन हॉलचा भव्य शुभारंभ मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आला आहे. यावेळी उद्घाटन प्रसंगी जमिया उलेमा हिंद बीड जिल्हा अध्यक्ष सय्यद मुफ्ती अशफाक कासमी साहेब यांची उपस्थिती होती. तर अध्यक्षस्थानी पीपल्स बँकेचे चेअरमन राजकिशोर मोदी, तसेच प्रमुख अतिथी म्हणून सुफिये हिंद अरेफ साहेब, ॲडव्होकेट अब्दुल खालिद सिद्दीकी, नाजेम मदरशाचे मौलाना अफसर खा, माजी उपनगराध्यक्ष मीर शाह, ज्येष्ठ समाजसेवक हाजी महमूद सेठ, माजी नगरसेवक महादेव आदमाने, माजी उपनगराध्यक्ष एम ए हकीम, अमीर जमातचे शेख फरकुंद साहेब मौलाना शकील, माजी नगरसेवक शेख ताहिर, खालिद चाऊस, नोबल हॉस्पिटलचे डॉक्टर इम्रान पटेल, बॉम्बे जनरल स्टोअर्सचे जफर मनियार, माजी नगरसेवक खलील बागवान, मौलाना ईसा हाजी हुसैन शाह आदींची उपस्थिती होती. और कुशादा शादी खाने का इंतजाम किया गया है, ये सिर्फ आवाम के एतबार से किया गया है. इंसानियत को इनके जरिए से जो नफा पहुंचे, फायदा पहुंचे, गरीब से गरीब जो इस हाल में आकर अपने जो है बच्चों का जो निकाह कर सके, इसलिए अवामुन्नास से हमारी दरख्वास्त है आने वालों से भी कि हम अपने रिश्तेदारों का भी निकाह, अपने बच्चियों का भी जो है कम से कम अखराजात में यहाँ करने की फिक्र करें. अंबाजोगाई शहरात अतिशय सुंदर फंक्शन हॉलची सुरुवात करण्यात आली असल्याने आता प्रत्येक कार्यक्रमासाठी हा हॉल उपलब्ध असणार आहे. तसेच शहा परिवाराने फंक्शन हॉल सुरू केल्याने त्यांचे अभिनंदन माजी नगराध्यक्ष राजकिशोर मोदी यांनी केले. सबसे पहले मैं यहाँ पर हुसैन भाई और मुनीर भाई इनको मुबारकबाद आप सब लोगों की ओर से देता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा ऐसा फंक्शन हॉल उन्होंने यहाँ पर बनाया है. कि अंबाजोगाई शहर में है और भी हॉल है, लेकिन ये हॉल जो है उसकी खासियत ये है कि यहाँ पर पार्किंग का अच्छा इंतजाम है. बहुत बड़ी जगह यहाँ पे पार्किंग को है और पार्किंग के साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरीके से ये फंक्शन हॉल यहाँ पे बनाया गया है. ये फंक्शन हॉल के माध्यम से उन्होंने अभी हम अंदर गए जब बताया कि लेडीज को अलग से बैठने की व्यवस्था, किचन अलग, खाने के लिए अलग और शादी के लिए अलग, और माकूल इंतजाम जो यहाँ पर रखा गया है तो पूरा इंतजाम यहाँ पर सिर्फ ₹10,000 में बोले तो होने वाला है. कि आज हम लोग देखते हैं कि लाखों रुपए फंक्शन हॉल में खर्चा होता है तो बहुत ही कम इसमें उन्होंने रखा है. इसलिए मैं पूरे अंबाजोगाई की तरफ से यहाँ पे शाह साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे रखा है. यावेळी माजी नगर सेवक गणेश मसने, भीमसेन लोमटे, हनुमंत तोर, सुनील व्यवहारे आदींची उपस्थिती होती. तसेच यावेळी सुफिये हिंद अरेफ साहेब यांनी अशा हॉलची आज गरज असून एक दर्जेदार हॉल सर्वांसाठी उपलब्ध करून दिल्याने सर्वांचे अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या. एक इफ्तिताही प्रोग्राम इस इलाके के लोगों के लिए कि यहाँ तकरीबात बिलखसूस शादी का जो भी मामलात हैं यहाँ तय हो, उस सिलसिले में ये जगह तय हुई है. ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है कि इस हिस्से में शाह फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोमिनाबाद की तरफ से और तमाम मेहमान खुसूसी की तरफ से कि यहाँ पर उन्होंने आकर एक जुनत मंदाना इकदाम कि यहाँ पर एक फंक्शन हॉल का बुनियाद रखा जो वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी. अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सोच रखने वालों को और बरकतियाँ अता फरमाएँ. और ये जगह बड़ी मुबारक है जहाँ पर खानदानों का मिलन होता हो, जहाँ जोड़े बनते हों, जहाँ एक जमीन का सबसे बड़ा पैगाम जो आसमान से आया है कि मर्द और औरत दो कबीले यहाँ पर आकर एक आसमानी पैगाम पर आकाशवाणी हर किताब में तौरात हो, जबूर हो, इंजील हो और मुख्तलिफ जितने अंबिया हैं 1,24,000 उन तमाम अंबिया में चंद नबियों को छोड़कर हर नबी ने अपनी कौम के सामने निकाह किया और निकाह का पैगाम दिया. तो ये जगह निकाह के लिए तय हुई है, यहाँ खुशियाँ हैं, अल्लाह जगह को कबूल फरमाए. उलेमा हिंद बीडचे अध्यक्ष यांनी शहा कुटुंबाने घेतलेला हा निर्णय उत्तम असून अशा हॉलमधून विविध कार्यक्रम यशस्वी होतील, तसेच शहा परिवाराचे अभिनंदन करत शुभेच्छा दिल्या. तो ये एक बहुत अच्छी पहल है.
क्योंकि शादी ब्याह के अंदर में, फंक्शन हॉल के अंदर शादी ब्याह, बल्कि छोटी मोटी तकरीबात करने के लिए भी आज लोगों के घरों में जगह ना काफी है। एक जमाना था फंक्शन ऐसे होते थे, नगर पालिका का एक टैंकर आता था, एक टाकी उसको लगाते थे, एक मंडप, एक शामियाना और फंक्शन मुकम्मल होता था। और आज ये हाल है कि किस जगह शादी करनी है तो शादी खाना भी चॉइस किया जाता है, लड़का घूम घूम के उसके घर वाले ढूंढते हैं कि कहाँ करे शादी। शादियों का किराया शादी खानों का फंक्शन हॉल का इतना है कि एक गरीब की शादी सिर्फ किराए के अंदर में हो जाए, डेढ़ डेढ़ दो दो लाख के फंक्शन हॉल हमारे अपने इलाकों में, हमारे परली के अंदर में ऐसे फंक्शन हॉल है, यहाँ भी होंगे और दूसरे शहरों में भी। तो ऐसे वक्त में एक दुआ का काम इन लोगों ने किया है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी मदद फरमाए, और इस नियत से किया है कि गरीब लोग यहाँ पर शादी करें, मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर अपनी तकरीबात करें वक्त के साथ साथ। फिलहाल उन्होंने 11,000 रुपए किराया तय किया है, अब वक्त के साथ महंगाई बदले बढ़ेगी तो किराया भी बढ़ेगा और फैसिलिटीज भी बढ़ेगी, लेकिन एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है। शहरात या फंक्शन हॉल मध्ये अनेक कार्यक्रम उत्तम होतील व शहा कुटुंबाने घेतलेला हा निर्णय योग्य असल्याचे यावेळी सांगत ॲडव्होकेट अब्दुल खालिद सिद्दीकी यांनी शुभेच्छा दिल्या। खुसूसन मुस्लिम समाज के लिए जो तकलीफ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह शाह हमारे हुसैन शाह साहब और उनके फर्जंदान और हुसैन बिरादरी के इस जुरात मंदाना इकदाम की वजह से बहुत दूर हो चुकी है। मेरा अपना तजुर्बा है कि हमारे घर में शादी थी हमारे भतीजे की 20-25 साल पहले, जगह नहीं थी जुमेरात बाजार में, सिवाय पापा मोदी साहब के जो खुली जगह है वही जगह थी। हम गए उनके पास, दरख्वास्त किए उनसे कि भाई हमको जगह, तो उन्होंने फिराक दिली से वो जगह हमको दी, बराबर है ना? और कोई नहीं कहा ये बात कि यहाँ वेज बनेगा नॉन वेज बनेगा, कुछ इतना बड़ा अतिशय उत्कृष्ट हॉल तयार करण्यात आला असून या ठिकाणी विवाहाबरोबर इतरही विविध कार्यक्रम घेता येणार आहेत। यावेळी उपस्थित असलेल्या अनेक मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त करत शुभेच्छा दिल्या। हमारे दोस्त मुनीर शाह उनकी जानिब से यहाँ पे शाह फंक्शन हॉल का आज इफ्तिताह हुआ है। मैं मेरी जानिब से मुनीर शाह और उनके तमाम बिरादरान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस एरिया के गोर गरीब आवाम के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंतज़ाम का फंक्शन हॉल बनाया है और बहुत ही कम कीमत में उसको यहाँ पे उन्होंने रखा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस फंक्शन हॉल को खूब खूब कामयाबी आता हो और जो लोग भी यहाँ के एरिया के गोर गरीब लोग हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। छोटे मोटे तौर पर यहाँ पे शादी खाने की शुरुआत की और वो कामयाब भी रहे, उसी तरीके से कुछ शादी खाने यहाँ पर हैं और चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि जब शादी खाने में तारीख बुक हो जाती है तो दूसरे लोगों को तकलीफ़ होती है कि वो शादी की तारीख नहीं है, आगे पीछे करके उस तारीख को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन शाह फंक्शन हॉल की वजह से अब वो जो तारीखें आगे पीछे होती थी इंशाल्लाह वो नहीं होगी और भी यहाँ पर शादी खानों की ज़रूरत है। मैं शाह फंक्शन हॉल के इस इफ्तिताह के मौके पर शाह बिरादरी के मुनीर शाह और उनके तमाम फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ। हा फंक्शन हॉल सुरू करण्यामागचा उद्देश यावेळी हाजी हुसैन शाह यांनी सांगत अधिक माहिती दिली आहे। 30 साल से मेहनत करे हमने, हमारा आज पूरा सपना पूरा होगा। अब हमारे 5 लड़के के नाम आलताफ शाह, जाकिर शाह, लतीफ़ शाह, अनवर शाह, मुनीर शाह, इनकी आज पूरी ये हो गई, तमन्ना पूरी हो गई। या कार्यक्रमाचे उत्तम सूत्र संचालन अकबर पठान यांनी केले, या कार्यक्रमाचे उत्तम नियोजन अल्ताफ शाह, अनवर शाह, जाकिर शाह, लतीफ शाह, मुनीर शाह, असलम शेख यांनी केले। यावेळी नागरिकांची मोठी उपस्थिती होती। योगेश्वरी दर्शन बातम्यासाठी कॅमेरामन योगेश डाकेसह नागेश अवताडे अंबाजोगाई।